अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई रेसिपी के साथ आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ नए अंदाज में बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने कई तरह की पकौड़ों की रेसिपीज को ट्राई किया होगा, लेकिन ये रेसिपी इन सब से हटकर डिफरेंट है। खाने में तो बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब है, और जब भी आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पहली दफ़ा ही परफेक्ट बनेंगे और सब आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर देखें, एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू ले लिया है, जिसे मैंने धोकर छील लिया था, और इसे इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो जब भी आलू को इस तरह से कद्दूकश करते हैं तो ये काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, तो क्या करेंगे, इसे ठंडे पानी में डालकर अच्छे से छन्नी की मदद से या हाथों से निचोड़कर निकाल लेंगे। इस तरह से करने से सारा जो स्टार्च है इसका वो निकल जाएगा। तो चले अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और देखिए ये बिल्कुल, आपको चेक करवाती हूँ, अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चले अब हमें इसके अलावा इसमें क्या चाहिए, बंद गोभी लेंगे 1 कप, इसे भी बारीक कटिंग कर लिया था, और साथ में गाजर ऐड करेंगे 1 अदद। गाजर को भी मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो कुकिंग जो है वो जल्दी से हो जाएगी और हमारे पकोड़े भी काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, 1 अदद छोटी शिमला मिर्च को लेकर मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। साथ में देखिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ, ये भी ऐड कर देंगे, और खुशबू के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी कटा हुआ ऐड कर दिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चें भी बारीक कटिंग करके ऐड कर देंगे। पुदीना आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। पुदीना अगर आपके पास ना होना तो आप सूखी मेथी जो है वो 1 चम्मच हाथों से क्रश करके वो ऐड कर दें, ये लाजमी आपने ऐड करना है, इसको स्किप नहीं करना, इससे जो है पकौड़े बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। साथ में इसमें सूखा धनिया दरदरा कटा हुआ 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, काली मिर्च पीसी हुई 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और नमक हसबे जायका। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च आपके पास ना हो तो पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, और साथ में 2 चम्मच टोमेटो केचप भी ऐड कर देंगे। इससे हमारे पकौड़े काफ़ी मज़ेदार से बन जाएंगे। तो चले अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, और इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें हम क्या डालेंगे वो आपको आगे चलकर बताती हूँ। फिलहाल इसे मिक्स करके साइड पर रख देंगे। तो चले अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद ब्रेड ले ली हैं, या जितनी आपने पकोड़े बनाने हो ना उतनी ब्रेड ले लें। इस तरह से इसको काउंटर के ऊपर सेट कर देंगे, और किसी ग्लास या ढक्कन की मदद से ना इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, दरमियान वाला जो पार्ट है हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी कटिंग कर सकते हैं, या कोई शेप जो आपको पसंद हो वो कटिंग कर लें, लेकिन इस तरह से राउंड शेप से बनाएंगे ना तो देखने में काफ़ी अच्छे भी लगेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से राउंड शेप में रेडी हो चुके हैं, तो इसे साइड पर रख देंगे। और ये जो किनारे बच चुके हैं इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्ब। तो इसे जल्दी से ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए मैंने मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और इसे रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्ब जो वेजिटेबल जो हमने काट के रखी थी पकौड़ों के लिए, उसमें ये डाल देंगे। तो तकरीबन ये 5 टेबल स्पून के बराबर ब्रेड का चूरा बना था, ये ऐड कर दिया था। साथ ही मैंने 5 टेबल स्पून के बराबर इसमें बेसन ऐड कर दिया है। इस रेसिपी में हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यानी ये जो पकौड़ों का मिक्सचर हम बना रहे हैं इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो सब्जियाँ हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगी, इसी से ना अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। तकरीबन इसमें ना 1 कप के बराबर जो था मैंने बेसन वो इसमें शामिल किया था। तो जैसे जैसे इसको हाथ से मिक्स करेंगे सब्जियां और मसाले पानी छोड़ती जाएंगी, और इससे अच्छे से मिक्सिंग भी हो जाएगी। इस मिक्सचर को हमने हार्ड रखना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना। ये आपको स्पैचुला से चेक करवा रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसको पतला नहीं करना, इस तरह से आपने हार्ड रखना है। तो चले अब ये रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर राउंड ब्रेड जो हमने तैयार करके रखी थी इसके ऊपर इस मिक्सचर की कोटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मिक्सचर इस तरह से आपने चम्मच से उठा लेना या स्पैचुला से उठाते जाना है, और ब्रेड के ऊपर ना इस तरह से लगाते जाएंगे। पहले एक साइड पर आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, और ये वाले पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और कमाल के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस मिक्सचर में पानी क्यों नहीं हमने डाला, इसलिए नहीं डाला ताकि ये जो है ब्रेड पर अच्छे से चिपक जाए, और देखिए किनारों को भी हाथों की मदद से ना अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ब्रेड को दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे, और दूसरी साइड पर भी ये पकौड़ा जो मिक्सचर है ये स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से या जिस तरह आपको आसानी हो हाथों की मदद से अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हाथों की मदद से आपने इसके जो किनारे हैं इनको अच्छे से सेट कर लेना है, और ये देखिए मिक्सचर जो है वो इस तरह से अच्छे से चिपक जाएगा। आपने जो इसकी कोटिंग है वो पतली ही रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से आपने इसको किनारों से जो है मिक्सचर से अच्छे से छुपा देना है। तो आप देख सकते हैं पकौड़ा जो मिक्सचर है ये परफेक्ट बना है, इसी वजह से ये ब्रेड पर ईजिली जो है वो सेट हो रहा है। तो देखिए इस तरह से सारे जो ब्रेड हैं, ब्रेड की कोटिंग जो है इसी तरह से मिक्सचर के साथ करते जाएंगे, और रेडी करके इसको मैं एक प्लेट में रख रही हूँ।
और फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारे रेडी करके प्लेट में रख दिए हैं। तो फ्राई का प्रोसीजर भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, किस तरह से इनको फ्राई करेंगे आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखिए ऑयल गर्म कर लिया था, ऑयल गर्म करने के बाद इसमें पकौड़े जो है हमने ब्रेड पकौड़ा वो ऐड करते जाएंगे। और फ्राई करते वक्त ऑयल का टेम्परेचर जो है आपने लो नहीं रखना, मतलब ये कि मीडियम टू लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर आपने इसको फ्राई करते जाना है, तब ये परफेक्ट कुक होंगे और सब्जियां भी जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। इनका मिक्सचर जो है देखिए बिल्कुल ब्रेड से नहीं उतरेगा, और हमने जो है मिक्सचर को अच्छे से ब्रेड के ऊपर कोटिंग की थी तो ब्रेड अंदर से नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से जो है ये ऑयल भी कम ही सोक करेगी, कम जज़ब करेगी। आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल ये मसाला जो है वो ऊपर से उतर नहीं रहा, ये अच्छे से कुक हो रहे हैं। अभी इसको टर्न कर लिया था और बाद में जो है इसको परफेक्ट कलर देंगे। पहले जस्ट जो इसको ना 2 से 3 बार इसको टर्न करते जाएंगे और बाद में इसको परफेक्ट कलर देंगे। तो देखिए घर में जो है सब्जियां कोई नहीं खाता, कोई पसंद नहीं करता, तो इस तरह से चेंज कर करके ना मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाएं, बच्चों और बड़ों को बना कर दें, सभी बहुत ही पसंद करेंगे। और हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और ये ब्रेड पकोड़े तो खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए जो बाकी ब्रेड पकौड़ा बच गए थे 3, वो भी मैंने इसी तरह से डाल दिए हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और देखिए पहले इसको जस्ट इस तरह से टर्न करते जाएंगे और फिर 2 से 3 बार इसको टर्न करेंगे और फिर बाद में परफेक्ट कलर आने के बाद इसको फ्राई करने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और जितना खूबसूरत इनका कलर आया है इतना लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। और देखिए घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, अब इन्हें निकालने के बाद इसे सर्व करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मैंने इसको टेस्ट किया है तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतनी मज़ेदार है, जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। आप इसे लाजमी बनाएं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ब्रेड जो थी ये ऊपर से जो मिक्सचर था, कोटिंग था, ब्रेड को अच्छे से छुपा दिया था, तो इस वजह से इसमें ऑयल कम ही जज़ब हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्दी भी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। चलती हूँ, फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।